नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ज्ञान वापी पर कल फैसले का दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई के सर्वे पर कल फैसला सुनाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ज्ञान वापी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के बयान के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञान वापी 2024 के चुनाव में बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है? क्या आस्था और धर्म के नाम पर फिर से वोट पाने की कोशिश होगी? आज का मुद्दा इसी पर है, लेकिन उससे पहले यह सवाल, 24 में बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा ज्ञानवापी, आस्था और धर्म पर वोट पाने की कोशिश क्या की जा रही है? फैसला सुनाए अदालत, मुद्दा बुनाएगी सियासत, तो कहीं अपील और कहीं चोट, आखिर किसके मन में है खोट? अयोध्या, मथुरा और काशी, मुद्दा है सियासी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे, और लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? हम लोगों ने माननीय न्यायालय से मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के द्वारा हमारे हिंदू प्रतीक चिन्हों को निरंतर मिटाया जा रहा है। उनका यह प्रयास निरंतर जारी है और इसी कारण वो एएसआई सर्वे में भी बाधा डाल रहे हैं। उनका सूचना या कार्यशैली इस प्रकार की है कि एएसआई सर्वे से पहले सारे प्रतीक चिन्हों को मिटा दे। हमने इसी विषय को लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई काम नहीं किया, डबल इंजन सरकार आने के बाद भी इस वजह से वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ज्ञानवापी मामले में वो बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, तो उन्हें सूबे के मुख्यमंत्री पद का छोड़ के उन्हें जाके इस मामले में वकील बन जाना चाहिए। अन्यथा ऐसे मामलों में जहां न्यायपालिका पर विचार चल रहा हो, एक मुख्यमंत्री के नाते देश प्रदेश की जनता में अपना विश्वास बनाए रखने के नाते उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। जो चीज हाईकोर्ट में है, जो माननीय न्यायालय में है, कल रिपोर्ट आनी है, उसके पहले उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माननीय न्यायालय के सबका सम्मान करना चाहिए। माननीय न्यायालय को जो निर्णय देना होगा वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सबको स्वीकार्य होगा। इनके पास जो बताने के लिए, देश के जनमानस को बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनको मजबूरन धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एच एस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रंजना अग्निहोत्री ज्ञानवापी में ये पक्षकार है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में रंजना जी आपसे करना चाहूंगा, सवाल मेरा आपसे यही है कि अब वो समय आ गया है जब फैसला ये आने वाला है कि इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाए या ये सर्वे नहीं होगा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्या कुछ आपके मन में इस वक्त चल रहा है, बाकी जो पक्षकार हैं वो क्या सोच रहे हैं इस निर्णय को लेकर। देखिए, अभी जिला जज महोदय ने आदेश किया था कि एएसआई सर्वे करे और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे करके अपनी रिपोर्ट 4 तारीख तक का अदालत में दाखिल करे। उस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय चला गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि माननीय इलाहाबाद न्यायालय के समक्ष जाइए और अपनी बात कहिए, वहां पर आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, फैसला रिजर्व कर दिया गया और 3 तारीख को जजमेंट आने वाला है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि
एएसआई के सर्वे पर और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जो भी फैसला आता है वो कल की प्रतीक्षा में करनी होगी। कल जो भी फैसला आता है आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है एएसआई सर्वे को लेकर, उन्होंने याचिका भी दी थी जिसको लेकर अब सीधे भेज दिया गया हाईकोर्ट को, उस पर निर्णय भी लेना है, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है? देखिए ये बात समझ में नहीं आती है कि मुस्लिम पक्ष क्या क्यों विरोध कर रहा है। आखिर सत्य को सामने क्यों नहीं आने देना चाहता है मुस्लिम पक्ष? जीपीआर सर्वे हो जाएगा, ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। एएसआई का सर्वे हो जाएगा, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें सारी बातें सत्य और तथ्य सब स्पष्ट रूप से संसार के सामने आ जाएंगे। मुस्लिम पक्ष आखिर क्या चीज छुपा रहा है? मुस्लिम पक्ष की तो आदत रही है ना कि छुपा रहा है, इसलिए वो इतने अड़ंगे डाल रहा है। वरना जिला जज महोदय का आदेश था वो एकदम स्पष्ट था, सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था। लेकिन खाली डिले टैक्टिक्स की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। ठीक है डॉक्टर अशोक रावत, जिस तरीके से ये निर्णय आने वाला है और आप मुस्लिम पक्ष ने इसमें तमाम अड़ंगा डालने की कोशिश भी की कि एएसआई का सर्वे ना हो, लेकिन क्या ये जो फैसला आने वाला है क्या ये उसी पक्ष में जाएगा कि इस सर्वे होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या सोचते हैं? देखिए शुभम जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि दीवारें चीख चीख के बता रही है कि वहां हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा है, वहां तो कोई मुस्लिम पक्षकार भी अगर एएसआई का सर्वे करे तो उसको भी अपनी कलम से लिखना ही पड़ेगा कि यहाँ पर देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है। सऊदी अरब से या अमेरिका से भी अगर कोई वहां पर पुरातत्व का स्पेशल इंजीनियर बुला लिया जाए तो वो भी यही लिखेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष में डर है, भय है कि अगर ये सर्वे हो गया और उनकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट का जो फैसला होगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा, और हिंदुओं के पक्ष में अगर कोर्ट का फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ज्ञान भापी मस्जिद उनको छोड़नी पड़ेगी और वो पूरा की पूरा जो सारा ग्राउंड है वो मंदिर को देना पड़ेगा। तो इस वजह से डरे हुए इसलिए बार बार रुकावट डाल रहे, नहीं तो अगर डर ना होता और उनको पता होता कि मस्जिद हमारी है तो बोल देते जी आप जब मर्जी जाओ 24 घंटे में कभी भी आप सर्वे करा लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, नहीं सर्वे की बात आए तो बोल, लेकिन ठीक है इसको लेकर हमने चर्चा भी की थी, बात भी की थी, मुख्यमंत्री ने बहुत ही बेबाकी से जो अपनी बात रखी है कि दीवारें जो है वो चीख चीख कर बता रही कि ज्ञानवापी का है, और ज्ञानवापी मस्जिद कहने पर उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई थी और एक उन्होंने आह्वान भी किया था कि मुस्लिम पक्ष को तो खुद आगे बढ़कर जो है इस पर अपनी सहभागिता निभानी होगी और कहना होगा कि लीजिए जो ऐतिहासिक गलतियां हुई उसको हम सुधार रहे हैं, इस पर क्या सोचना है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर जैसे अभी कहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है लोग, मैं कहता हूँ चुनाव तैयारी करने का मौका आप देते ही क्यों है? जैसे ये कोर्ट की बात आई थी आप बोल देते भाई ये ठीक है आप रजामंदी से आप ये ले लीजिए और आप मथुरा का भी ले लीजिए, पानी खत्म, फिर कोई चुनावी मुद्दा क्यों बनाएगा? ठीक है अब जब सामने खड़ी कोई चीज है वो तो दिखाई दे रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल कहा है और जो कोई भी हो वो तो बोलेगा। ठीक है शाहबुद्दीन साहब मैं आपके पास आऊंगा, सुन पा रहे हैं अब आप? जी जी सुन रहा हूँ जी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर पहले तो इस पर हमने आपसे पहले भी बात की कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सर्वे को लेकर एतराज जता रहा था, विरोध कर रहा था, वो कोर्ट में गया, उसके बाद हाई कोर्ट उनको भेजा गया है और इसको लेकर निर्णय आने वाला है। इस पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कुछ निर्णय आएगा, किस पक्ष में जाएगा और निर्णय आने के बाद मुस्लिम पक्ष का रुख जो है वो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए हम तो सीधे सीधे इस बात को ये मान रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहे हैं और उसका फैसला कुछ कोर्टों ने किया है, उसको अपील की गई है और कल परसों में फैसला कल आएगा निर्णय, तो हम इंतजार कर रहे हैं जी। हम इंतजार कर रहे हैं फैसले का कि फैसला क्या आएगा, जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। हमने पीछे भी हमारी मिसालें आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता सालों में भी अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आखिरी फैसला दिया है तो उसको हमने सर झुका करके उसको तस्लीम किया है। अब इसमें जोर जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री
जो मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी वो अपने मुख्यमंत्री के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, वो तो एक सनातनी धर्म के रहनुमा के हैसियत से कह रहे हैं वो, और वो उनको हक हासिल है, वो कह सकते हैं, उनका अपना नजरिया है, उनका अपना सोचना है, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, मगर उनकी बातों से जो बातें निकल के आई वो एक बात ये कही कि गुफ्तगु होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए। तो इस सिलसिले में मुख्यमंत्री जी पहल करें, चूंकि वो एक बड़ी अजीब पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वजारत उज़्मा के वजीर आला हैं, उनका साफ तौर पर कहना चाहिए मुसलमानों के सामने, उनका साफ तौर पर कहना वजीर आला हैं बिल्कुल उनका, और हाँ जितने वो हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं उतने मुस्लिमों के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने हमेशा कोर्ट को माना है, हमसे उनका आशय हिंदू पक्ष का था, हमने हमेशा कोर्ट को माना, जो निर्णय आया वो हमने माना है, और वहां पर दीवारें हैं वो चीख चीख कर बोले भाई त्रिशूल वहां पर क्या कर रहा है, ये उनका कहना है, त्रिशूल वहां पर क्या कह रहा है, मूर्तियां वहां पर क्या कह रही है, जो बाकी कलाकृतियां वहां पर मिली हैं वो मस्जिद के अंदर क्या कर रही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद कहने पर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर खुद से आकर यहां पर अपनी बात रखता है और कहता है कि ऐतिहासिक गलती हुई इसको हम सुधार रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है, उनके प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता। सिर्फ उन्होंने एक बयान दिया है और बयान की हद तक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। प्रैक्टिकल तो यह होगा कि वो पूरे भारत के जो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा है, मुसलमानों के कायदीन हैं और जो ग्रास लेवल पर समाज के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं, उनको बुलाएं, उनकी मीटिंग करें, उनसे बात करें, अपनी बात जो है वो सिर्फ मीडिया के जरिए नहीं बल्कि सीधे सीधे अगर रखेंगे तो और उसमें खाका पेश करें कि भाई इस तरीके से जो है वो होना चाहिए, समझौता इस तरह हो सकता है, या मुस्लिम पक्ष इस तरीके से छोड़ सकता है, या हिंदू पक्ष इस तरीके से कर सकता है, ठीक है, जब तक सीधे सीधे बात नहीं करेंगे तो ये बातें जो है फजूल है, जो निराधार है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, ये तो मुख्यमंत्री जी के बयान पर बात होगी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कल जो निर्णय आने वाला है वो ये नहीं आने वाला है कि वहां पर मस्जिद बनेगा या मंदिर बनेगा, वो निर्णय ये आने वाला है कि आगे एसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। आखिर मुस्लिमों को एसआई सर्वे से क्या आपत्ति है? देखिए किसी भी सर्वे से कोई एतराज नहीं है और चूंकि जिला कोर्ट नहीं, अगर एतराज ना होता तो सर्वे को रोकने के लिए क्यों याचिका दाखिल करने का, मुस्लिम पक्ष को अपील करने का अधिकार था तो अपील किया है, ठीक है, बिल्कुल, अगर फैसला हाईकोर्ट दे देता है तो उसको माना जाएगा, ठीक है, फैसला दे कोर्ट उसको मानेंगे। अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा, मुस्लिम पक्ष का एसआई सर्वे को रोकने के लिए याचिका देना, उसके बाद कोर्ट के द्वारा उस पर निर्णय लेना, सर्वे को रोक दिया जाता है, और कल अब सर्वे को लेकर जो निर्णय आएगा इसको लेकर आप क्या कुछ कहने वाले हैं? हालांकि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उसका असर तो बिल्कुल नहीं हुआ, मुस्लिम पक्ष उसमें आगे आकर कोई उसमें अपनी रखलंदाजी नहीं कर रहा है, ना ही अपनी कोई बात रख रहा है, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर जो कुछ होगा उसको देखते हैं। देखिए आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल सही कहा, ये उसी तरह है जैसे राम मंदिर के सवाल पर रामनवमी की छुट्टी होती थी कोर्ट बंद रहता था और फिर उसी दूसरे दिन उसी कोर्ट में होता था कि राम कहाँ पैदा हुए, आप पैदा हुए कि नहीं, दुनिया जानती थी कि राम अयोध्या में पैदा हुए ईरान में नहीं पैदा हुए, लेकिन एक मुकदमा चला और ये एक तरह से मेरा ही मानना है जबरन हो गया, अंत में फैसला आया, एसआई जांच होने से सबसे बड़ी फायदा है, राम जन्मभूमि में भी जब पुरातत्व जांच चल रही थी तो आधे पुरातत्व हिंदू थे, आधे मुसलमान थे, आधे मुसलमान थे, तब जाके राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने मुनव्वर राणा जैसे लोगों ने जज को ही आना उठना बोलना शुरू किया, ये दुर्भाग्यजनक है। देखिएगा अभी तो बोल रहे हैं लोग ने क्या नहीं, मैं ठीक है, मैं एक चीज मैं बिल्कुल ठीक है, तो लगेंगे ये लोग जज को ही गाली देने, ठीक है जो कुछ निर्णय आएगा वो तो कल आएगा, उसको लेकर न्यूज स्टेट मेगा कवरेज कर रहा है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि एएसआई सर्वे होने की वजह से जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, वहां पर क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा, तो फिर क्यों विरोध हो रहा है उसका? निश्चित हो जाएगा और मेरा तो ये मानना है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक सामान्य आदमी ये जो हिंदू हो मुसलमान हो एक साथ जाके देखे तो दीवारें
चिल्ला चिल्ला के कहती है, इतिहास चिल्ला चिल्ला कहता है कि वहाँ मंदिर को तोड़ा गया है, उसके आज भी अवशेष आपको उसके पिछले भाग में दिखाई दे, बिल्कुल दिखते हैं, लेकिन वो तस्वीरें ठीक है, वो तस्वीरें हमने दिखाई भी थी, न्यूज़ स्टेट के दर्शकों ने वो तस्वीरें देखी थी। राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्माती चली जा रही है, कल फैसला आने वाला है, इस पर निर्णय अदालत लेगी कि आखिर एएसआई सर्वे हो या ना हो, यह निर्णय नहीं होने वाला है कि अभी क्या कुछ वहां पर बनने वाला है। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया इस पर आती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुस्लिमों को पहल करनी चाहिए इस पर, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? जी शुभम, लोहिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो राजनीति है वह अल्पकालिक धर्म और जो धर्म है यह दीर्घकालिक राजनीति है और इन दोनों के बीच विवेकपूर्ण संबंध होने चाहिए। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति संविधान की मंशा के प्रतिकूल जाकर के बयान देता है तो उससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है कि हमारा देश रिलीजन डोमिनेटेड स्टेट है, यहाँ के रहने वाले लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जब जब बीजेपी सत्ता में आती प्रमुख मुद्दों में शामिल हो जाता है धर्म आधारित मुद्दे या महंगाई बेरोजगारी जैसा कोई मुद्दा बीजेपी नहीं मानता। कल ये बहुत अच्छी बात रंजना जी ने कही है कि कल एएसआई का निर्णय आया, जाहिर बात है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, जो ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा है इसको बीजेपी ने टूल किट के रूप में तैयार किया, एक उपकरण के रूप में तैयार किया है कि 2024 के चुनाव में सत्ता तक पहुंचा जा सके। और बिल्कुल साफ है, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी दीवारें जो चीख चीख करके कह रही है, जैसे कालिदास मार्ग की मुख्यमंत्री आवाज है, वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि उनको गंगा जल से क्यों धुलवाया गया, कम से कम उसका भी जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत ही इसको बहुत ही समझदारी बहुत सोच समझ के इस मुद्दे को लाई है और बाकी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, जब सारे मामले माननीय न्यायालय के जो संज्ञान में है तो उस पर इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और जब आप संवैधानिक पद पर है, अभी अशोक पांडे की है, क्या ये इसका जवाब देंगे? क्या ज्ञान वापी मस्जिद को बीजेपी सियासी उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही है? जवाब दीजिए, ठीक है, मैं सवाल का आपके जवाब लिए ले रहा हूँ, बताइए अशोक जी। देखिए, निश्चित तौर पे हम कोर्ट को ही तो मानते हैं। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आप ये सियासी बयानबाजी कर रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, हम राजनीति एजेंडे में नहीं है, वो तो भव्य भव्य वहाँ कॉरिडोर बनी गया है, लेकिन जब इस पे एक कोई मुकदमा चल रहा है तो निश्चित दूध का दूध पानी का अशोक जी होना चाहिए। अशोक, इस पर मुकदमा 1991 से चल रहा है, इससे पहले 1935 में मुकदमा था, अचानक 18 अगस्त 2021 को मुकदमा किया गया श्रीहार गौरी के दर्शन के लिए, और अचानक जब इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं और आज इतिहास को हम प्रमाणित कर सकते हैं, 1669 में सही बात है, औरंगजेब ने वहाँ पे मंदिर को धराशाही करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया, इसमें कोई नहीं, इतिहास का जो भी प्रभाव हम इतिहास से सीखेंगे या इतिहास का सबको हक है, दूध का दूध पानी का इतिहास दिलाता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब सारे मामले न्यायालय में जिला न्यायालय, डॉक्टर लोहिया ने कहा था राजस्थान हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए, बाबर हमलावर और लुटेरे थे, 600 रजिया और अस्खान हमारे पुरखे थे। अगर अशोक जी, कबीर की धरती उत्तर प्रदेश, आप सद्भाव की, हम क्यों नहीं आपसे सद्भाव की बात करते हैं, वसुधैव की बात क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं आत्मभद्र विष्णुता की बात करते हैं, क्या पूजा स्थल, क्या हम साधारण में किसी पूजा स्थल में इस्तेमाल नहीं कर सकते? कोई मुकदमा नहीं किया है। अच्छा होगा कि हम कम से कम सद्भाव की बात करते, ये कबीर की धरती है, कम से कम ये कहते हैं कि ये पूजा स्थल है, उसका साधारण हम इस्तेमाल करें। इसे तुलसी की भी धरती है, ये बात आप मानिए। देखिए, इन्हीं सब नीतियों से हरियाणा के मूल जन का निर्माण चल रहा है, भाजपा शासन जितने स्टेट है सारे सारे मणिपुर में, ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए, ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मुद्दे से मत भटकिए, ठीक है रंजना जी, ठीक है ठीक है ठीक है रंजना जी, मैं आपसे ठीक है अशोक जी, जरूर जाए, ठीक है, मैं तुष्टिकरण पर बाद में जवाब ले लूंगा। मैं रंजना जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, काशी में चूंकि बहुत लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाए, ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर जो बाकी शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जैसे और भी वापी हैं उनमें से एक वापी जो है वो ज्ञानवापी है, और नंदी का मुख उसकी तरफ होना, वहां पर शिवलिंग मिलना,
जिसको कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, ऐसे में आप लोगों के अंदर क्या कुछ उत्कंठा है, क्या कुछ काशी सोचता है इस पूरे वाक्य को लेकर? देखिए, काशी ये सोचता है जो स्कंद पुराण के काशी खंड के चैप्टर 33 में ज्ञान वापी कूप का वर्णन किया है। आदि विश्वेश्वर से पूर्व दिशा में ज्ञान वापी कूप विराजमान है, ये स्पष्ट वर्णन तो स्कंद पुराण में। दूसरी बात, 1833 में जेम्स प्रिंसेप ने एक बुक लिखी है, जेम्स प्रिंसेप वहां पर कलेक्टर थे, उनकी किताब में जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शे के हिसाब से जो सारी चीजें अभी तक कमिश्नर की रिपोर्ट में पाई गई हैं वो सत्य और तथ्य हैं। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, जो अभी बात चल रही थी कि योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपनी मर्जी से दिया। 1933 में दीन मोहम्मद के केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब लगाया था और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा था कि ये ना तो वक्फ की प्रॉपर्टी है और ना ही ये कोई वक्फ है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है जहां पर आदि विश्वेश्वर भगवान का मंदिर विराजमान रहा और आज भी वहां पर प्रतीक चिन्ह, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह पाए गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब वहां पर पानी हटाया गया जिसको मुस्लिम समाज के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार करते हुए बताया गया ये फव्वारा है, जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक बड़ा रिजर्वायर है, उसके बीच में शिवलिंग है जहां पर भक्त लोग डिवोटीज जल चढ़ाते हैं और उसमें एक ऐसा छेद है जिसको अर्घ्य से होते हुए सीधे गंगा जी में जाता है, उस रिजर्वायर का पता भी लगाया जाना चाहिए। अब यहां पर रहेगी एएसआई और जीपीआर सर्वे की बात। जब जीपीआर सर्वे होगा और एएसआई का सर्वे होगा तो उससे ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका काल क्या है, इसमें ये रिजर्वायर कहां से कहां तक जाता है। खाली रिडार स्कैनिंग ही तो करनी है, रिजर्वायर जो जल चढ़ाते थे वो गंगा जी में जाता है। जेम्स प्रिंसेप गलत तो नहीं कह रहे हैं, जेम्स प्रिंसेप ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो एक क्रिश्चियन थे, उन्होंने तो इम्पार्शियल बुक लिखी है, उसका वेरिफिकेशन भी आवश्यक है। कौन कौन से मटीरियल यूज हुए हैं उस समय, क्या मटीरियल यूज होते थे, वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी ना। ठीक है, बिल्कुल ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगा, ये बड़ी बात रंजना जी ने की है, उन्होंने कहा कि अगर ये सर्वे हो जाएगा, जीपीआर सर्वे हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और जो भी वहां पर, चाहे हम बात करें जो कलाकृतियां हिंदू पाई गई वहां पर, जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए चिन्ह पाए गए हैं उनमें कितनी प्राचीनता है, वो सारी बातें पता चल जाएंगी। तो आखिर क्यों विरोध हो रहा है उस चीज का? शुभम जी, पहले मैं डॉक्टर राहुल जी यादव जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के समय पर हमीद अंसारी साहब प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे और उनको बुलाया गया था तो उन्होंने प्रसाद लेने से, दीप प्रज्वलन करने से और तिलक लगाने से मना कर दिया था। जब वो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है, वो भी संविधान की शपथ लेकर के जब वो इस प्रकार से मना कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। और आप ही की सरकार के अंदर आजम खान साहब थे, संवैधानिक पद पे थे, जब रमजान का महीना था तो उस समय पर उन्होंने रामपुर के अंदर नवरातों के अंदर माइक उतरवा दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें डिस्टरबेंस होती है ये हटाइए और बंद करा दिए थे। यानी ये संविधान पर रह करके आप धोते की बातें करेंगे। दूसरी चीज, एक मिनट सुन लो पहले आप बोलना फिर। और जो ये मुकदमे की जड़ है वो तो आप लोग ही हैं डॉक्टर साहब, आप लोगों ने मुकदमा करवाया ना आपको श्रृंगार गौरी की, सुन लो पहले, ना श्रृंगार गौरी, ना श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कराते और ना मुलायम सिंह जी नेताजी में ये मुकदमा चालू होता, और मुकदमा चालू नहीं होता तो 2024 की तैयारी नहीं होती। ये बीज तो आपने बो रखे हैं, आपके द्वारा बीज बोए हुए हैं, अगर आप ये बीज न बोते तो 2024 की तैयारी ना होती। इसलिए आपने वोटों की राजनीति के लिए, आप लोगों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए अशोक पांडे जी, आप में फोन रख दीजिए, आप फ्रेम में, आप लोग हैं ठीक है। मैं अशोक जी, आप सुन रहे हैं ना? जी। हाँ, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एक जो पॉइंट है वो विचारणीय भी है यहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं इसमें,
वो कहते हैं कि अगर इसके तहत ये चीजें आती हैं तो नहीं छेड़ना चाहिए उसको। देखिए आपको बता दें कि ये तो इन्हीं लोगों ने मिलके, नरसिंहा राव जी ने, चंद्रशेखर जी ने, इन लोगों ने मिलके इस एक्ट को बनाया केंद्र में निश्चित तौर पे। लेकिन ये मामला तो पहले से चल रहा है, कृष्ण जी का मामला पहले चल रहा है, राम जन्मभूमि बाबा विश्वनाथ का कृष्ण जी का मामला पहले चल रहा है। निश्चित तौर पे इस देश की जनता को, इस बात को, श्रद्धालुओं को जानने का हक है। हम तो ये कह रहे हैं अगर ये मस्जिद है तो ले दे, लेकिन एएसआई जांच तो हो जाए, पूरी जो प्रक्रिया तो हो जाए, तो ये इनको मानने को तैयार नहीं है। राम जन्मभूमि का जब फैसला आएगा तो जज के खिलाफ बोलने लगेंगे, लगातार कहेंगे हम अदालत के फैसले को मानेंगे, और जो फैसला आएगा जज को अनाप शनाप बोलने लगेंगे। ये दुर्भाग्यजनक है, कानून को मानना है तो निश्चित तौर पे कानून पर आंख बंद करके भरोसा करिए, जो कानून पानी का पानी हो जाएगा। और निश्चित तौर से देश की जनता उस एक्ट का विरोध ठीक है, ठीक है। शाहबुद्दीन जी मैं आपके पास आऊंगा, अगर यहां पर कल सर्वे के पक्ष में निर्णय आ जाता है और कोर्ट कहता है कि सर्वे जारी रहेगा, क्या रुख होगा मुस्लिमों का फिर? अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है कि सर्वे कराया जाए तो सर्वे कराया जाएगा, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। और अगर कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो फिर कोर्ट के फैसला जो भी आएगा, बहरहाल जो भी फैसला आएगा उस फैसले को हम मानने के लिए तैयार हैं, सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके से मुसलमानों पे आरोप लगाना कि ऐसा और मस्जिद के मस्जिद के ताल्लुक से जो कहना, ये गलत बात है। आप वो मस्जिद है 400 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल ब्रिटिश पीरियड में रही, 75 साल से मुल्क आजाद हुआ तब से भी वहाँ नमाज हो रही है। ठीक है, अगर जिस तरीके से अभी डॉक्टर राहुल हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा जिस दल के साथ आप 99% आपके वोट जो है वो जिस दल को गए, उन्होंने भी अभी कहा कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाँ वाकई में ऐसा है। अब कोर्ट उसको कहेगी, बिल्कुल 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 साक्ष्य है उसके। राहुल जी मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे। बताइए शाहबुद्दीन, ये उनकी गलत बात है, हकीकत के खिलाफ है, उनको हकीकत नहीं मालूम है। औरंगजेब आलमगीर ने किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा, और शरई एतबार से ये एक हुक्म है कि अगर कहीं भी मस्जिद बन गई तो मस्जिद बनाने के लिए जरूरी है तमाम चीजें, उनकी शहादतें कि भाई जमीन साफ सुथरी हो, किसी का कब्जा ना हो, गवर्नमेंट की जमीन ना हो, और जाती तौर पर आदमी की बगैर विवादित जमीन हो वो वक्फ करे अल्लाह ताला की इबादत के लिए, राहुल जी जवाब दीजिए, तो वहाँ मस्जिद बनाई जाएगी। और औरंगजेब इस तरीके से वो नहीं कर सकते, न कोई मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है, अदना से अदना दर्जे मुसलमान है, वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बना सकता। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इनको हकीकत का इल्म नहीं है, ये एक तरफा बात कर रहे हैं। रुक जाए, रावत साहब रुकिए, राहुल को बोलने दीजिए, राहुल जी बोलिए। नहीं ऐसा है, ये विवाद की बात नहीं है, इस पर देखो पूरी जगह नहीं, ये इतिहास का एक तथ्य है जो किताबों में लगी, मैंने उसके हवाले से, और इन किताबों में बहुत कुछ दर्ज है, किताबों और अभी आपने जो इंतजामिया मस्जिद कमेटी है वहां की, उसने ये भी कहा है दीनी राय धर्म के अंतर्गत इसको अकबर ने मंदिर मस्जिद एक साफ बनाया, जिसको बाद में चुकी और अंग्रेजी दीनी राय धर्म का विरोधी, इसलिए उसने उसको तोड़वाया। ये इतिहास होता है, रावत साहब बोले, रावत साहब नहीं कह रहा, आपने ये कहा था कि औरंगजेब आलमगीर साहब मस्जिद नहीं तोड़ सकते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए, उन्होंने अपने अब्बा जान को जेल में डाला और अपने भाई की गर्दन काटी कि नहीं काटी, कितना बता दो। ये तो हिंदू राजा महाराजाओं ने भी किया, मुसलमानों ने भी किया, सबने किया, सरदार के लिए सब करते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात पहले भी आप मुझसे पूछ चुके हैं, ये बात आप पहले भी मुझसे सवाल कर चुके हैं, कोई नया सवाल लेके आइए, कोई नया सवाल लेके आइए तो नए सवाल का जवाब दिया जाए। आप औरंगजेब की उस बात का कोई क्यों नहीं याद करते जिन्होंने मंदिरों को मदद की, मंदिरों मंदिरों की जमीन
ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या कुछ निर्णय कल आएगा, क्या कोर्ट कहेगा कि सर्वे को जारी रखा जाए या फिर सर्वे को स्थगित कर दिया जाएगा, और अगर ये सर्वे स्थगित होता है तो फिर इस पूरे मामले का हल कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लगातार बने रहिएगा न्यूज स्टेट के साथ, क्योंकि कल भी न्यूज स्टेट पर इस पूरे निर्णय से जुड़ी हुई मेगा कवरेज सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।